क्या बोल रहा फिर कौन है? केजरीवाल है। आप बोले ने उसी को ही वोट देने का। केजरीवाल ओनली फॉर वन केजरीवाल, उसके सिवा कोई नहीं। उसने दिल्ली मोहब्बत हो गई क्या? उसकी अदा कैसी, उसके कपड़े पहनने की स्टाइल, उसके चश्मे पहनने की स्टाइल, उसकी बात करने की स्टाइल, उसके ऊपर हमारा दिल आ गया। मोदी जैसा नहीं भाइयों और बहनों, वो ऐसा नहीं बोलता है, वो ऐसा नहीं बोलता है, वो यही बोलता है मेरे को लाओ मैं काम करके बताऊंगा। और करके दिखाया, करके दिखाता है। तो हमारे पास कार्ड दिए उनने, ये दिया है कि ये रखो, हम आएंगे तो तुम्हारा कुछ करेंगे। कार्ड दिए, कोई कार्ड नहीं दिए, कौन से कार्ड दिए? और पैसे लोगों के अनाज पानी का कार्ड छीन लिए। अनाज देती थी कांग्रेस बराबर उनकी शासन में, अनाज भी कम। जब से मोदी जी आया सब बंद हो गया, 5 किलो दे रहा है, वो 30 किलो कहाँ गया? गैस के बाटले मुफ्त में दिए, इतने पैसे बढ़ा दिए कि वो गैस के बाटले आज पड़े हैं लोगों के, गरीबों के खाने के वांदे हैं। और ये बोलता है विकास कर रहे हैं, विकास नहीं कर रहे हैं। गरीबों के घर में देखो घुस के, तुम गरीबों के घर में आते कहाँ है? ये इंसान को लड़ाने के चक्कर में रहते, कुर्सी नहीं जानी चाहिए बस। पहले पब्लिक एक रहती थी, फूट पाड़ने वाला ये नेता, यही नेता, यही पार्टी। पब्लिक एक रहती थी, कोई जानता नहीं था हिंदू मुसलमान क्या चीज रहते थे, एक दूसरे की तकलीफ को बांटते। ये मोदी जी ने किया है, फूट पाड़ने वाला ये नेता मोदी जी ने, भाजपा के अंदर इनकी सोच गलत है। तो गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और अब जनता के बीच में बार बार हम जा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट में दिखा रहे हैं कि जनता के क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्या फिर से भाजपा सरकार या बदलाव होगा। केजरीवाल दिल्ली मॉडल लेकर गुजरात में आए हैं तो वहां कांग्रेस भी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अब देखना ये होगा कि जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखकर जो है आगामी चुनाव में वोट करने वाली है। जनता के बीच में है, बात करते हैं चाय की दुकान पर हमेशा की तरह, यहीं से जो है जनता के अहम मुद्दे उठकर आते हैं। मैं भी अहमदाबाद का हूँ, अहमदाबाद का रहने वाला हूँ और मैं तो यही बरसों से जानता हूँ कि सरकार कोई भी बने, चाहे हाँ चाहे कांग्रेस हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे भाजपा हो, कोई भी सरकार आए पब्लिक का सोचे और कोई भी चलाए, से पार्टी नहीं, किसी को भी हैरानगी नहीं है, परेशानी नहीं कि 5 साल के बाद आता है और सब नेता 5 साल बाद ही आते पब्लिक का हाल लेने के लिए। ऐसे कोई नेता नहीं आता, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे उबेसी खां हो, ये सब अपनी अपनी सत्ता के रहते, पब्लिक का कोई नहीं सोचता है। तू मुसलमान, बेरोजगारी, ये सब लाएंगे तो कोई ये देश का भला होने वाला नहीं है। हमारे देखो हर देश हिंदुस्तान के हर सूबे में देखो, कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, कोई कलकत्ता का है, सब शहरों में भाग के आ रहे गांव की पब्लिक। हम भी यहीं के, यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, यहीं मर जाएंगे। आखिर ये लड़ने झगड़ने बेरोजगारी से अच्छा है काम धंधा देवे सरकार, तो सरकार कोई भी कौन बात नहीं होना चाहिए। हम तो छपाई का काम करते हैं, आज 1 साल हो गया हमको, 800 फैक्ट्रियां बने, ये म्युनिसिपालिटी के अधिकारी, यही भाजपा सरकार चल रही है वहाँ भी, हफ्ता ले जाते हैं, फिर पैसे खुटते फिर चले आते, कभी पुलिस वाले आते, कभी म्युनिसिपालिटी का ऑफिसर आता है, ये हो रहा है, जो रुपया देता उसका चल रहा है, नहीं देता उसका बंद है। नहीं हुए ना सर, मोदी जी बेचारों को तीन महीने लॉकडाउन गिरा, लोगों के घर में खाने के वादे हो गए बेचारों के, कहाँ से लाएगी हर घर जो नाच पहुँचाया मोदी जी ने, कहाँ पहुँचाया, किसने दिया वो देने आया? अच्छा एक मिनट सर, वो घर बैठे मोदी देने आया, पुड़ी का मान के अपने को घर देने आया कि तुम्हारे को मैं अनाज दे रहा हूँ, एक दाखला है, बंटवाया तो है, कहाँ बंटवाया, किसको दिया है? ये पूरा चंडूला हमारा बेचारा 3 महीने भूखा प्यासा रहा हमारा, ये हाँ क्या करेगा इंसान। तो अभी कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को हम खाना खिला रहे हैं, कहाँ कौन खिला रहा है, ऊपर वाला खिला रहा है, किसी की औकात नहीं है, किसी की औकात नहीं है सर, वो खिलाने वाला है, बाकी कोई की औकात नहीं है सर, ये बात गलत है, ये उसकी वो मानस की बात गलत लगी अपने को। किस पर भरोसा? देखो जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ, कौन दे रहा साथ, कोई भी ये सब उड़े सी वैसे कब नहीं, हमारा जो ध्यान रखेगा जो पार्टी वाला, हम उसको ने दिलो जान से वोट देंगे, हम खुल के वोट देंगे। अरे सब बातें है सर यार, पक्का डबल है, तो इधर भी तोड़ता है उधर भी तोड़ता है, तो यहाँ के वोट मियां भाई के एरिया में वोट तोड़ता है, वो तो पक्का डबल है। फिर कौन है? केजरीवाल है। आप बोले ने उसी को ही वोट देने का।
केजरीवाल केजरीवाल ओनली फॉर वन केजरीवाल, उसके सिवा कोई नहीं। अदा उसने मोहब्बत हो गई क्या? उसकी अदा कैसे, इसके कपड़े पहनने की स्टाइल, इसके चश्मे पहनने की स्टाइल, इसके बात करने की स्टाइल, उसके ऊपर हमारा दिल आ गया। मोदी ऐसा नहीं भाइयों और बहनों, वो ऐसा नहीं बोलता है, वो ऐसा नहीं बोलता है, वो यही बोलता है मेरे को लाओ मैं काम करके बताऊंगा। और वो करके करके दिखाता है, पंजाब में भी दिखाया और दिल्ली में भी दिखाया, अब हम ये चाहते हैं गुजरात में आके वो दिखाए। आप गुजरात में आके वो दिखाए, अरे ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं, ये एरिया देखो हमारे है ना कार्ड, तो हमारे पास कार्ड दिए उन्होंने, ये दिया है कि ये रखो, हम आएंगे तो तुम्हारा कुछ करेंगे, सीधी सी बात है। के नरेंद्र मोदी घबरा गया, बोला अब के फिर मेरी सरकार जाएगी। कहाँ पे कौन सा कार्ड दिए, कोई कार्ड नहीं दिए, कौन से कार्ड दिए, और पैसे लोगों के अनाज पानी का कार्ड छीन लिए मोदी ने, हाँ छीन लिए, बंद कर दिए, बंद कर दिए कारण, राशन जो कारण बंद हो गए, राशन जो दे रहे हैं वो ऐसा दे रहे कि अपने बकरी को खिलाओ, ऐसा राशन है राशन में मोदी जी जो राशन, हाँ मोदी जी बकरी को खिलाओ ऐसा राशन है, इतना कचरा इतने कंकर अंदर सी कि उसको बकरी को खिलानी पड़े, ये जो चावल है वो इतने कड़क चावल है कि हाथी भी ना खावे, ऐसे चावल है क्या ये मोदी क्या दे रहा है, कुछ नहीं दे सकता मोदी। सब बड़े होटलों के अंदर जाता है, अच्छा माल बड़े बड़े होटलों में जाता है। कांग्रेस 35 किलो अनाज देती थी कांग्रेस बराबर उनकी शासन में, अनाज भी कम, जब से मोदी जी आया सब बंद हो गया, 5 किलो दे रहा है, वो 30 किलो कहाँ गया, मोदी जी को मालूम है ये 30 किलो कहाँ गया, बड़े बड़े होटलों में जाता है ये सब अनाज, ये राशन वाले बारम्बार ब्लैक करते हैं, ब्लैक करते नहीं देते, धक्के खिलाते जाओ तारीख पूरी हो गई, कोई जवाबदारी नहीं है। लोगों को गैस के बाटले मुफ्त में दिए, इतने पैसे बढ़ा दिए कि वो गैस के बाटले आज पड़े हैं लोगों के, गरीबों के खाने के वांदे हैं, और ये बोलता है विकास कर रहे हैं, विकास नहीं कर रहे हैं, गरीबों के घर में देखो घुस के तुम गरीबों के घर में आते कहाँ है, ये तो पैसे वालों को देखते हैं, गरीबों के घर में घुस के देखो खाने के वांदे, काम धंधे नहीं है लोगों में, सिलेंडर मिले हैं, उज्ज्वला योजना कोई को नहीं मिले, ये सब बात है वहाँ पे। पंजाब में भी आज सिलेंडर का भाव 1060 है, कहाँ से फ्री में दिया, आदमी भरा नहीं सकता है, पैसे नहीं है, एक सिलेंडर बिकेगा 25 रुपए बढ़ गए उस पे, तो कितने रुपए कमा लिए उन्होंने, मोदी जी ने सिर्फ हवा में बातें करी है, लालच दिया उसको, सिर्फ मोदी जी ने हवा में बातें करी है, भाई और बहनों करके लोगों को हवा में बात कर दी है, खिला दिए उन्होंने। केजरीवाल से इतनी मोहब्बत कैसे भाई, वो बोलता है हमको लाभ हम लाभ करेंगे काम, वो बोलता है, वो कहता है छाती ठोक के बोलता है, हम लोग एक चानस केजरीवाल को भी देंगे, हम अच्छे दिन तो देना, अच्छे दिन तो है ना, मोदी को आए कांग्रेस वो जाने दो सर, सब ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे है, हाँ सारे कभी इधर बसते हैं कभी उधर बसते हैं, पब्लिक गई भाड़ में, समझे कुर्सी नहीं जानी चाहिए बस, हाँ दुनिया जाए भाड़ में कुर्सी नहीं जानी चाहिए हमारी, वो ये सोचते हैं चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो। केजरीवाल को देखा 10 लाख का सूट पहनते हैं, मोदी कैसा पहनता है, करोड़ों का सूट पहनता है वो, अपनी उसमें ही रहता है, आप भाई की शर्ट ना पहन, ये केजरीवाल ये मोदी कितने लाखों के सूट में, केजरीवाल को भी तो ये कहा जाता है दिखावा करने के लिए, केजरीवाल नहीं, केजरीवाल नहीं वो दिखावा नहीं करता, वो करके बता रहा है, वो करके बता रहा है, 26 बरस से आ रहे ले क्या करा इन्होंने, चलो बताओ 27 साल हो गए भाजपा को, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान चलता ही रहा है, हिंदू मुसलमान, अरे वो कह रहे हैं कि अगला रिकॉर्ड देखो तुम इनका, अभी का मत देखो पहले का रिकॉर्ड देखो, अरे इनके साथ जो रहने करने वाले वो सब यही बातें होती है उनकी, 2002 इंसान को लड़ाने के चक्कर में रहते, कुर्सी नहीं जानी चाहिए बस, पहले पब्लिक एक रहती थी, फूट पाड़ने वाला ये नेता, यही नेता यही पार्टी, पब्लिक एक रहती थी कोई जानता नहीं था हिंदू मुसलमान क्या चीज रहते थे, एक दूसरे की तकलीफ को बांटते, ये मोदी जी ने किया है, फूट पाड़ने वाला ये नेता मोदी जी ने, भाजपा के अंदर इनकी सोच गलत है, हाँ। ये लोगों की सोच गलत है, साथ लेकर चलने नहीं, नहीं गलत है ये, यानी अमीर ज्यादा अमीर हो जा और गरीब ज्यादा गरीब रहे, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।